नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, आधार सेवा केंद्र UCL सेंटर के लिए यहां पे बहुत ही गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। अगर आप लोग भी इच्छुक हैं आधार सेवा केंद्र कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से खोलना, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, आप लोगों को पता होगा कि आधार UCL सेंटर खोलने के लिए आप लोगों को सिंगल बायोमेट्रिक डिवाइस और आयरिस स्कैनर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मंत्रा का जो इस समय आयरिस की डिवाइस है उसकी प्राइस 7,000 रुपये के आसपास में है। वहीं दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से CSC आप लोगों को केवल 4,000 रुपये में आयरिस स्कैनर डिवाइस बेच रही है। आप लोग इसको कैसे बाय करेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे अदर ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कंपेयर भी किया है और सब जगह से मिलाकर सबसे अच्छे और बेस्ट प्राइस में CSC की तरफ से आप लोगों को सिंगल आयरिस स्कैनर डिवाइस मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है किसी भी तरह का आयरिस डिवाइस, तो आप लोग यहाँ से तत्काल प्रभाव से बाय कर सकते हैं, ताकि आप भी आधार UCL में काम करने के लिए एलिजिबल हो जाएं और इसका उपयोग कर सकें। तो इसी के संबंधित मैं पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों, ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वेबसाइट का इंटरफेस दिखा दे रहा हूं। आप लोग इस डिवाइस का इंटरफेस यहां से देख सकते हैं। ये डिवाइस है जो कि CSC आप लोगों को 3690 रुपये में दे रही है, यानी 3700 में आपको ये डिवाइस मिल जाएगी CSC के माध्यम से। एज आप लोग यहां पे कंपेयर करेंगे मंत्रा डिवाइस से, तो ये टोटल आपके 7,000 रुपये लग जाएंगे। तो वहीं अगर आप लोग CSC से इसे बाय करेंगे तो आप लोगों को केवल 3700 रुपये देने होंगे। यहाँ पे दोस्तों स्टॉक लिमिट है। अगर आप लोग भी चाहते हैं आधार UCL में वर्क करना, तो आप लोग इसे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और आपके पते पे इस डिवाइस को दे दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, ये डिवाइस कैसे काम करता है और क्या है इसका पूरा इंटरफेस, अंत के वीडियो में आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगर इसी डिवाइस को अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो 5,800 रुपये यानी 5,800 रुपये में आपको ये डिवाइस मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं EPI 1000E परख आयरिस स्कैनर। यही डिवाइस अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सिंगल आयरिस स्कैनर EPI 1000, जो कि इसकी प्राइज है 3690 रुपये। तो अगर आप लोग भी एक CSC VLE हैं तो आप लोग डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से इसे बाय कर सकते हैं। कैसे बाय करना है, आप लोगों को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, आप लोगों को सर्च बार में टाइप कर देना है e-store, या फिर अगर आपका e-store से नहीं खुल रहा है तो आप लोग को यहाँ पर टाइप कर देना है IRCTC। जैसे ही आप लोग इसे सर्च करेंगे, आपके सामने ऐसा रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, यहाँ पे PVC कार्ड प्रिंटर एंड बायोमेट्रिक डिवाइस ETC पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस प्रिंटर के संबंधित यहाँ पे लिंक दिए गए हैं, आप लोग को यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी सर्विसें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे अगर चाहे तो बायोमेट्रिक डिवाइस भी बाय कर सकते हैं, जो कि 2366 रुपये में है। फिलहाल इसमें अगर स्टॉक मौजूद होगा तो ही आप लोग बाय कर पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इसे बाय कर लेना है, अभी फिलहाल में स्टॉक दिखा रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग आयरिस डिवाइस को लेना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और 3690 रुपये में इस डिवाइस को बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पूरा पता लिख देना होगा, मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी और पिन कोड। वहीं आपको इसे सबमिट कर देना है। आपके डिजिटल सेवा वॉलेट से 3690 रुपये का अमाउंट डेबिट हो जाएगा और आपके पते पर इस डिवाइस को भेज दिया जाएगा। दोस्तों, वहीं इस डिवाइस का इंटरफेस कैसा है इसके संबंधित आप लोग वीडियो देख लीजिए।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।